अस्सलामुअलैकुम मेरी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल फिट और ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ कि कल ऐसा हुआ कि दूध वाला आया, मैंने उससे दूध लिया, लेके किचन में गई, वहाँ जाके मैंने पतीली जो है वो चढ़ा दी चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद जो है ना मैं अंदर आई, इतने में बेल हुई, मैं बाहर देखने गई तो पोस्टमैन आया था, तो लेटर लिया मैंने लेके कमरे में रखने के लिए आई तो बेडरूम में जो आप ये टीवी देख रहे हैं इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो वहां यहाँ पे ड्रामा चल रहा था, जो मेरे फेवरेट ड्रामा था वो मैं देखने के लिए बैठ गई, मुझे भूल ही गया कि मैं चूल्हे के ऊपर जो है वो पतीली रख के आई हूँ। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं काफी देर गुजर गई तो मुझे मेरे एक फैमिली मेंबर ने याद करवाया, उन्होंने पूछा कि दूध वाला आया था। जैसे ही मैंने ये सुना तो एकदम मुझे याद आ गया, ओ माय गॉड, मैं भूल गई हूँ कि मैं चूल्हे के ऊपर जो है ना वो दूध रख के आई हूँ। मैंने दौड़ लगाई लेकिन फायदा नहीं था क्योंकि एक घंटा गुजर चुका था दूध को रखे हुए, और जब मैं किचन में गई तो धुआं ही धुआं था। और इसके अलावा ये मसला था कि अब आप सोच सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी मेरी पतीली की। तो जब मैंने पतीली देखी तो वो बिल्कुल दूध जलने के बाद नीचे जो दूध बैठा हुआ था, जो सूख 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 के वो नीचे बैठ गया, वो भी जल चुका था बिल्कुल, और वो पतीली के साथ इतना सख्ती के साथ जुड़ा हुआ था कि उसको अलहदा करना मुश्किल था। तो जब वो पतीली मैंने देखी तो पहला इंप्रेशन जो मेरे घर वालों का था वो ये कि इस पतीली को फेंक दो क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज्यादा जला हुआ इसकी कंडीशन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इतनी ज्यादा जल चुकी है कि अब ये ठीक नहीं होगी। अब मैंने जब कोशिश की तो अब मैं आपको किचन में लेके जाऊंगी, तो उसके बाद मैंने पतीली को कैसे साफ किया और उसका रिजल्ट क्या था ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किचन में अगर आपकी पतीली जल के स्वाह हो जाए तो उसके बाद आपने उसको कैसे साफ करना है। मैं चल के किचन में ले जाती हूँ, दिखाती हूँ पतीली, उसकी कंडीशन और उसके बाद वो साफ कैसे हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पतीली कितनी बुरी तरीके से ये जली है और दूध इसके जो पेंदा है उसमें जम चुका है और बहुत मोटी इसकी लेयर जमी हुई है। अब इसको हम कैसे उतारेंगे, इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले मैंने ये जो है ना वॉशिंग डिटर्जेंट लेना है, यानी कि वॉशिंग के लिए कोई भी, तो मैंने फेरी लिया है। उसके अलावा आपको ये वाइट विनेगर या कोई भी विनेगर आपके पास है, यानी सिरका, ये बेकिंग सोडा है और ये नमक है। बस ये चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी और इन चारों चीज़ों के साथ आप ये उतार सकते हैं। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जो फेरी है वो थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे और अंदाजे से बस आप डाल लें, तो उसके बाद आपने पानी इसमें डाल देना है ताकि फिर हम बाद में इसको जो है ना उबलने के लिए रख सकें। तो इसमें पानी आप जिधर जितना हिस्सा जला हुआ है उतने हिस्से में आपने इसमें पानी रख देना है। अब इसको हल्की आंच के ऊपर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें और फिर इसको पकने दें, ये पानी गर्म होगा। बिल्कुल हल्की आँच रखें, ये देखें जैसे पानी उबल रहा है, ऐसे पानी को उबलने दें। जब ये उबल जाएगा तो अब उस पानी को गिरा दें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इसको हम सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, ये जितना जला हिस्सा ये सॉफ्ट हो जाए। अब हल्का सा इसको खुरच के देखें, जितना इजीली ये उतर सकता है उसको उतार लीजिएगा। अब आपने ये करना है कि अब इसमें दोबारा बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देंगे, अंदाजे से आप तकरीबन दो, जैसे कि ये मेरी पतीली के साइज़ के हिसाब से तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, और ये तकरीबन 1.5 जो है ना टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें फिर फेरी डाली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून फेरी डाल दें। और इसके बाद आपने ये करना है कि इसमें फिर दोबारा से पानी डाल के इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए दोबारा डिप कर दें, तो आप देखेंगे कि ये खुद बखुद जो इसके पेंदे में ये मोटी सी तह जमी हुई होगी ये उतर जाएगी। तो देखें आप, इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो जितना ईजीली हाथ से उतरता है उसको आप हाथ से उतार लें, और इस तरह से जो भी आप उतार सकें, अगर मुश्किल लगे तो आप चम्मच का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी शार्प चीज़ ले सकते हैं, तो उस पेंदे से इसको आपने उतार लेना है। अब ये देखें कि पेंदे से जो मोटी वाली तह है वो मैंने उतार दी है, और अब ये साइड के ऊपर जो कालक जमी हुई है उसको आपने चम्मच से या किसी भी शार्प चीज़ से जो है ना इसको उतार लेना है और अब इसको धो लें। अब आपने ये देखा कि इसमें उतारने के बाद इस पे जो मैक्सिमम उतर सकता था मेरे से वो मैंने उतार लिया है चम्मच से ये कालक, लेकिन स्टिल अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कालक है। तो अब इसको करने के लिए हम दोबारा थोड़ा सा नमक, तकरीबन आप समझे कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, फिर से इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला, यही समझे कि 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है,
और 1 ही टेबलस्पून फेरी डाल दिया है। इसकी जगह पे आप मैक्स को यूज़ कर सकते हैं, सूफी का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर विनीगर यानी कि सिरका डाला, और इसके बाद आप इसको किसी भी सख्त चीज़ से जो है ना वो मांझ लेंगे। तो मांझने के बाद आप ये देखें कि ये जो है कितना मोटी तय जो थी वो हमने उतारी है, और मांझने के बाद पतीली देखें साफ हो गई है। अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन इसको अगर हम एक दो दफ़ा बाद में दोबारा से धोएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप ये देखें कितनी मुश्किल पतीली साफ़ की है। अब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि साफ़ होने के बाद ये पतीली अब मुझे फेंकनी नहीं पड़ी, बल्कि मैंने दूध डाल के इसको उबाला है। और ये हाथ आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये दिखाना है कि इसमें चूंकि मैंने बेकिंग सोडा और सिरका डाल के तो ये जितनी देर मांझी है, तो इससे मेरे हाथों का कलर भी देखें, कॉम्प्लेक्शन भी सही होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने देखा होगा कि थोड़ी सी एफर्ट जो है ना उससे बहुत मुश्किल काम भी आसान हो जाता है कोशिश करने से। तो कभी भी आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़े, क्योंकि हम लेडीज हैं और किचन में अक्सर ऐसे वाकयात वारदातें होती रहती हैं, तो इस तरह से अगर कभी भी कुछ हो तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो अब दे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।